सीहोर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले में इछावर के गांव आर्या में बता दें कि पीएम आवास में सचिव की मनमानी आई सामने, जहां पर पीएम आवास में पात्र व्यक्ति की जगह अपात्र व्यक्ति को लाभ दे डाला। सचिव द्वारा लेन देन कर ये लाभ पहुंचाने के आरोप लगाए गए हैं, जिसके बाद ये हड़कंप मच गया। वहीं बता दें कि एसडीएम ने नारायण सिंह आत्म बलवंत सिंह के पक्ष में फैसला सुनाते हुए इछावर तहसीलदार को कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए, लेकिन आदेश के बाद भी अवैध पीएम आवास के निर्माण का कार्य चलता रहा। प्राइम मेकर न्यूज़ चैनल के लिए खास रिपोर्ट। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नारायण सिंह संधव। कहाँ की पंचायत में है? ग्राम पंचायत आर्या है सर। मामला क्या हो गया पीएम आवास को लेकर? पीएम आवास को लेकर ये मामला है सर, इसमें भागीरथ सिंह पिता रंजीत सिंह को ग्राम मतलब सरपंच सचिव ने इनको प्रधानमंत्री आवास योजना मेरे 196 नंबर में बनाने के लिए अनुमति कैसे दे दी जी? मकान जगह तो मेरी है जी, सीमांकन करवाया तो मेरे जगह में बनाया है जी। मतलब उसमें आरआई साहब ने ये नवंबर में गए थे 10वें महीने में जी। सीमांकन करा था उन लोगों ने, जब भी मेरे नाम उसमें लिखा हुआ है कि 196 नंबर में मकान बन रहा है, इस पे स्टेप दी, स्टे के बावजूद भी इन लोगों ने इस मकान में काम चलाया है। पहले इष्ट दिया था तहसीलदार मैडम ने, जब भी इन्होंने काम चलाया, बाद में इसमें इष्ट दिया एसडीएम साहब ने, जब भी इन लोगों ने काम चलाया है उसमें जी। मतलब कुल मिला के सरपंच सचिव की भी इसमें मिला भगत है जी? जी सरपंच सचिव की मिले भगत है सर। इसकी वजह से ये पीएम आवास जी जी बन के तैयार हो रही है, तैयार हो गया सर इसके। तो आपको अब कोर्ट वगैरह से भी मिल गई है राहत है ना? हाँ, कोर्ट से भी मिली, एसडीएम साहब ने भी हमें हमारे पक्ष में फैसला बोला है सर। अच्छा, मगर उनकी चोरी से ये काम कर रहे थे साहब, नहीं तो प्रशासन अपने सही मतलब सपोर्ट करा उन्होंने तो। नहीं तो जिसने पीएम आवास बनाया सरपंच सचिव ने और इछावर के जनपद के अधिकारियों ने भी तो उसके कागजात देखे होंगे, कैसे पे पीएम आवास दे दिया सर? अब ये हम थोड़ी जानते सर, उनने तो हमारी जगह में बनाया है सर, 196 नंबर में मकान बनाया है उन्होंने सर, पूरा मकान 25x30 का बना हुआ मकान है सर वो, और मेन रोड पे है सर वो। मतलब दमंग लोग हैं इसके चलते उन्होंने सचिव और सरपंच ने भी उस पर मतलब मोहर लगा दी जी। जी मोहर लगा दी सर सरपंच सचिव ने सर जी। सर इछावर की पंचायत के आर्या के अंतर्गत जमीन किसी की और पीएम किसी को आवास किसी को दे दिया गया है, क्या है मामला सर? इस संबंध में जांच की जा रही है, जनपद पंचायत में जो सीओ है उनको भी संबंध में अवगत कराया है, वे भी इसकी जांच करके रिपोर्ट दे रही हैं। दूसरा ये है कि नारायण सिंह जिनकी ये भूमि बताई जा रही है उनके पक्ष में एसडीएम न्यायालय से भी आदेश हुआ है, तहसीलदार को जरूरी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। संतोष, ये सर पीएम आवास का मतलब नारायण सिंह बलवंत सिंह वाला क्या मामला है? आज आप जो भागीरथ सिंह है भागीरथ रंजीत उनको आवास मिला 2021 तो उसमें क्या रहा है, जैसे कि आवाज देते हैं उसके पहले उसके दो फोटो दिए जाते हैं, एक तो पुराने आवास का वो भाई खड़ा रहता है कि ताकि मेरा आवास नहीं है रहता, तो दूसरा वहाँ जहाँ वो बनाना चाहता है, तो उनने हमें जो जगह बताई यहाँ तो साहब उनको हमने लेआउट किया और उसके बाद में उसको दो किस्त दी एडमिशन भरने के बाद। लेकिन अब वो कोर्ट से भी प्रकरण जीत चुका है और इसके बाद आर्डर भी हो गया है, तो इसके बाद क्या उससे पंचायत राशि वसूल करेगी जहाँ जिसका मकान बनाया? सर अभी तो ऐसा तो कोई हमें आदेश नहीं है, पर जैसे भी निर्देश मिलेंगे आगे से। अच्छा, एक अन्य और मामला है संतोष घासीराम वाला, वो क्या है? हाँ, उसमें भी सर ऐसे ही था कि जैसे कि उनका जियोटेक पहले गाँव में करवाया था, उन्होंने कि मैं यहाँ बनाना चाहता और कहीं दूसरी जगह बना लिया, तो जो पहले एक जहाँ जियोटेक होता है वहीं की जगह हम लेआउट डालते हैं और उसी के आधार पर उनकी एक फर्स्ट किस्त जारी कर दी जाती है और उस किस्त को उठा के उनने दूसरी जगह